एडमिशन, जॉब, वित्तीय बाजार का ग्राफ, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइबर क्राइम का मायाजाल, वाइल्ड लाइफ, खेल जगत की उठापटक, फिल्मी दुनिया की हलचल, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, तमाम उलझन, हम लाए हैं सॉल्यूशन। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी नेशनल पर। किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। छत पर बागवानी कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम अपने अभियान एक पेड़ माँ के नाम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज हम उससे थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज आपको एक अलग सी जगह लेकर जा रहे हैं। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पूसा कृषि हाट में। जी हाँ, यहाँ पर लगा हुआ है एक गार्डन मेला। अभियान को तो हम आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन इस मेले को कैसे छोड़ सकते हैं? बता दें आपको, यहाँ पर प्लांट्स के साथ साथ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। भाई, फेस्टिवल मंथ है और त्योहारों में हम सभी चाहते हैं कि अपने घर आंगन को हम खूबसूरत बनाएं, सुंदर बनाएं। ऐसे में ये मेला जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लेकर आया है, बहुत सारी जानकारियां लेकर आया है। तो फिर आइए, देर किस बात की, चलते हैं इस मेले की ओर। ये उद्यान मेला जो है, ये हमारा यूनिट नंबर 10 ऑल इंडिया किचन गार्डन की हनुमान रोड के नाम से जाना जाता है। और इसमें कैनॉट प्लेस एरिया, बंगाली मार्केट अप टू द एरिया, अप टू इंडिया गेट तक जो है वो कवर अप होता है। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं ये हमारे मेंबर्स ने उगाए हैं और ये बहुत कम रेट पे हम यहाँ पर लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ हमने इस बार कहीं राजस्थान से बहुत अच्छे दिवाली के दिए लाने की यहाँ कोशिश की है, जो दिल्ली में यहाँ मिलते ही नहीं हैं। और इनकी अवेयरनेस लगाने के लिए कि और ऐसे कुम्हारों को हेल्प करने के लिए जो बहुत इंटीरियर्स में रहते हैं और स्पेशल चीज़ बनाते हैं, तो उनको भी रोज़गार मिले, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो हम इस तरीके के मेलों पे ला के जो है बेचने का प्रयास करते हैं और अवेयरनेस कराते हैं। हमारे कुछ गार्डन कंटेनर्स हैं वहाँ पर, उन गार्डन कंटेनर्स में भी जो है वो जैसे दीपावली का पर्व आ रहा है तो आप छोटे छोटे गमलों में बहुत कुछ लगाते हो, और उन गमलों को डायरेक्ट न लगा के किसी ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पर वो कुछ, उसको ऐसे कंटेनर्स में लगाइए जो सुंदरता ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। वो हम यहाँ पे सजावटी पौधों के साथ साथ कुछ
सब्जियों के भी पौध लाए हैं, जैसे चेरी टमेटोस। सो इसमें क्या है कि घर में हम बता भी रहे हैं कैसे इसको लगाइए, तो जिससे उनको एक अपने द्वारा उगाई हुई जो सब्जी है उसको उगाने में एक इंटरेस्ट आएगा, और ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ टर्न करता है गार्डनिंग जो है। तो इसलिए हमारा प्रयास ये है कि यूनिट नंबर 10 में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कर सकें पब्लिक को, और गार्डनिंग की कर सके, एनवायरनमेंट को एक अच्छा बढ़िया बना सके, प्रदूषण दूर कर सके, पौधे लगा सके। तो इस तरीके के उद्यान मेले जो हैं वो अलग अलग एरिया में हमारे होते हैं। ये इस बार हमने एक प्रयास किया है कि हम 3 यूनिट मिलके हम इस तरीके का उद्यान मेला कर रहे हैं, और हम अधिक से अधिक चाहते हैं कि बच्चों में, बड़ों में और दूसरे लोगों में अवेयरनेस हो। यहाँ पे हमने बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन रखवाया है। छोटे बच्चों के लिए हमने पेपर पे वो पेंट कर रहे हैं, सीनरीज पेंट कर रहे हैं, और बड़े बच्चों के लिए वो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से पॉट्स को डेकोरेट किया है। हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि सब लोग बहुत ही उत्साह से इस मेले को अटेंड कर रहे हैं। काफ़ी लोगों की चेहरों पे आप खुशी देख सकते हैं। जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं सबकी बहुत सेल हो रही है, और जो लोग खरीदने आए हैं उनको भी घर का बना हुआ खाना, आपके लोगों के अपने प्रोपोगेट किए हुए पौधे, सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम चाहेंगे कि फ्यूचर में भी हम ऐसे इवेंट करते रहें। इस बार हम लोगों ने, कुछ यूनिट्स ने मिलकर अपना जो ध्यान मेला है ये पूसा हार्ट में लगाया है, जिसकी कि एम्बियंस अपनी ही बहुत अच्छी है। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है आसपास, यहाँ पर हमें अपना उद्यान मेला लगाने में जो पुरसुकून मिला है वो हम बयान नहीं कर सकते। तो जिस तरह हमें हमारे पीएम साहब ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग किचन गार्डन ये कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास जगह नहीं है वो लोग अपने घरों में पेड़ नहीं लगा सकते, तो वो एक छोटे छोटे पौधे लगाएं। जैसे हर पत्ते की गिनती हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो जितने पत्ते होंगे उतना ही हमारा वातावरण प्रदूषण कम होगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो जैसे मैंने, मेरा एक प्रयास रहता है कि छोटे से छोटी जगह में भी आप लोग अपना पौधे लगाइए। तो यहाँ पर मैंने जैसे अपने टेरेनियम बनाए हैं, कुछ ट्रेज बनाई हैं, कुछ मैंने अपने छोटे फाउंटेन्स भी बनाए हैं जो आप इनडोर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके को दिखा रही हूँ, जैसे मैंने ये इंडोर आपने फाउंटेन्स लगाए हैं, तो इसमें कुछ प्लांट्स रखे हैं मैंने। तो ये थोड़े पत्ते हैं लेकिन ये भी ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पत्ते, छोटे छोटे पौधे आपके किचन में हर्ब्स लगा सकते हैं, माइक्रोग्रीन्स लगा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बड़े सारे स्टॉल्स लगे हैं, डिफरेंट चीज़ों के लगे हैं। तो मैंने जैसे इस बार अपना कुछ नया करा, मैंने दूसरी तरह के अपने इंडोर रखने के लिए जो कि बहुत साफ़ सुथरे सिरेमिक के फाउंटेन्स बनाए हैं, या फिर मैंने जो पेपर टॉवल से हैंडमेड हम लोग पॉट्स बनाते हैं उससे भी अपने मैंने फाउंटेन्स बनाए हैं। तो आप विभिन्न प्रकार से अपने फाउंटेन्स बना सकते हैं, उसमें पौधे लगा सकते हैं। तो ये वाटर प्लांट्स मैंने लगाए हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारे जो है पौधे, बच्चों को भी एनकरेज करना है। यहाँ पे हम लोगों ने पेंटिंग कंपटीशन भी किया है, तो हम बच्चों को एनकरेज करने के लिए भी बहुत सारे छोटे छोटे पौधों के टेरेनियम्स या ट्रेस बनाते हैं। हर बार मैं दिवाली के लिए कुछ कैंडल्स दिए बनाती हूँ, तो इस बार मेरी थीम मोस्टली प्लांट्स पे थी। तो मैंने इस बार कैक्टस और फ्लावर्स के बारे में फ्लावर्स बनाए हैं। तो बेसिकली हम लोग क्योंकि किचन गार्डन से एसोसिएटेड है तो हम लोग प्लांट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कैंडल्स भी गिफ्ट देने के लिए जो गिफ्ट आइटम्स बने हैं वो कैक्टस की उस शेप में हैं या फ्लावर्स की शेप में हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप की कैंडल्स बना सकते हैं। तो कुछ जैसे और कुछ कैंडल्स मैंने इस बार दिवाली क्योंकि आ रही है उसके लिए मैंने स्वीट्स की कैंडल्स बनाई हैं। तो ये स्वीट्स की कैंडल की भी प्लेटर बनी हुई है, इसमें जैसे लड्डू वगैरह ये डिफरेंट टाइप की स्वीट्स हैं।
आप बच्चों के लिए भी छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई हैं, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की कैंडल्स आप बना के अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। मैं नेचर के बहुत करीब हूँ, मुझे प्लांट्स से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं इन सब प्लांट्स को घर पे ही ग्रो करती हूँ अपने टेरेस पे, और एक एक प्लांट्स मेरे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह है। मैं इनकी बहुत अच्छे से केयर करती हूँ। जैसे ये फर्न प्लांट है, ये भी बिल्कुल छोटा है, मैं लेकर आई थी और उसके बाद मैंने फिर इसको प्रोपगेट करके इतना बड़ा किया है। ये पीस लिली है, ये भी बहुत सुंदर है। एक्जोरा है, ये भी इतने सुंदर फूल इसमें खिलते हैं। और ये एडेनियम है और लिपस्टिक है। ये सारे प्लांट्स देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और हमारे गार्डन में एक ब्यूटी आ जाती है इनसे, और इनको देखकर हमें तो एनर्जी मिलती ही मिलती है। मैंने ये होममेड किचन वेस्ट से ये खाद बनाई है, और मैंने ये होममेड एंजाइम्स बनाए हैं। इसके बहुत डिफरेंट यूजेस हैं, और प्लांट्स के अंदर हम इसके अंदर 1 लीटर के अंदर एक ढक्कन डालेंगे तो प्लांट्स की सबकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और इसके डिफरेंट यूजेस हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, होममेड एंजाइम्स हैं, ये फ्लोर क्लीनर में भी काम आता है। ये डिटॉक्स वाटर भी है, इसके अंदर 1 लीटर के अंदर 2 बूंद अगर हम डाल के पी रहे हैं तो इसके अंदर हमारा डिटॉक्स वाटर बन जाएगा। और अगर हम इसको आधा ढक्कन आधे मग्गे में डाल के कोई शैम्पू डाल के यूज़ कर रहे हैं तो हमारे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मेरे साथ मेरे पास हैंगिंग बास्केट्स हैं, और हैंगिंग बास्केट्स आपके गार्डन में बहुत एनहेंस करती हैं, एक टोटली डिफरेंट आउटलुक दे देती हैं। सारे प्लांट्स हम नीचे रखते हैं, जब हैंग प्लांट्स हैंग कर रहे होते हैं तो वो नीचे ब्रांचेस गिरती हैं, तो इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी डेलिकेट टेस्ट टू द इंटायर सेटअप ऑफ आर गार्डन। यहाँ जो है वो ग्राउंड कवर्स हैं, जो ग्राउंड कवर्स होते हैं वो आप हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, ऐसे ही इंच प्लांट आप प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं और बास्केट्स में भी। लाइकवाइज ये भी ग्राउंड कवर है और इसको बास्केट्स में भी लगा सकते हैं। इट गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल लुक टू ऑल द सेटअप ऑफ योर गार्डन एंड मेक्स इट वेरी मोर इंटरेस्टिंग एंड प्लीजिंग। बागवानी के साथ साथ अगर हमें आइडिया मिल जाए कि किस तरह से हम अपने घर और आंगन को डेकोरेट कर सकते हैं, उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या ही होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। आपको बता दें कि इस मेले में बहुत से लोग आए हैं जो अपने प्लांट्स को खुद ही प्रोपोगेट करके लाए हैं, चाहे वो नॉर्मल प्लांट्स हो या फिर वाटर प्लांट्स। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। हाट में हमारा उद्यान मेला लग रहा है, जिसमें हम हमारे यहाँ के मेंबर्स ने कुछ प्लांट्स प्रोपेगेट किए हैं, जैसे कि कैक्टस है, पेंसिल कैक्टस है। रेनी सीजन के बाद हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं रेगुलर, जैसे सिंगोनियम है और ये उसकी कटिंग्स हैं, तो इनको हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं प्लांट्स को, डिफरेंट प्लांट्स कटिंग को। तो ये वाला वेदर जो होता है ये बहुत ही सपोर्टिव होता है, हम जितने चाहें कटिंग से प्लांट्स को ग्रो करते हैं, क्योंकि रेन वाटर जो होता है उसमें बहुत न्यूट्रिशंस
होते हैं तो जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कड़ी पत्ता है, इसको हम सीड से ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो कटिंग से होते हैं, कुछ जैसे ये डिफन बेशिया वगैरह है, ये जो है ये सब स्टेम से उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैनी प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड थ्रू 1 inch कटिंग्स। मैं यहाँ पे कुछ वाटर प्लांट्स डिस्प्ले कर रखे हैं जो मैंने खुद ही प्रोपोगेट करे हैं। और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं ये आप किसी वाटर बोल में या वाटर फाउंटेन में किसी में भी लगा सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि मच्छर ना पैदा होए, तो इसलिए आप उसके थोड़े से पानी चेंज करते रहें। और बड़ी खूबसूरती से आप इसका अरेंजमेंट भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं इस तरह से वाटर प्लांट्स का भी अरेंजमेंट हो सकता है। सो यू जस्ट सी एंड यू आई मीन अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए और इनको यूज़ करिए। आज यहाँ कृषि हाट के अंदर हमने यहाँ स्टॉल लगाया है। हमारे पास बास्केट्स, प्लांटर्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं टू कीप योर प्लांट्स। फॉर एग्जांपल, वी हैव दिस ब्यूटीफुल प्लांटर फॉर यू टू पुट योर प्लांट्स इन, एंड एनी टाइप ऑफ बैम्बू प्लांट्स और द लॉन्ग वंस फॉर, एंड वी हैव द स्मॉल वंस। यू कैन यूज दीज एज अ बास्केट और यू कैन यूज दीज एज हैंगिंग प्लांटर्स। एंड वी हैव स्मॉल ऑर्गेनाइजर्स ताकि आप अपने सकलेंस या छोटे प्लांट्स इसके अंदर रख सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं वी हैव दिस टू, इसको आप अपने साइड टेबल्स, आपके सेंटर टेबल्स को ऊपर यूज कर सकते हो। आप छोटे छोटे पॉड में भी पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, और इसके अलावा हमारा मेन फोकस मेडिसिनल प्लांट्स पे है। लगा दें तो जहाँ भी किसी ने काटा हुआ होता है वो अपना सही हो जाता है। पास ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि बहुत इजी हैं ग्रो करने में। एक प्रॉब्लम जो होती है कि जब हम एक्वेटिक प्लांट लगाते हैं तो एक्वेटिक प्लांट्स में मच्छर पैदा होते हैं, लेकिन अगर हम इनको केयरफुली लगाएं तो मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से मैं बता रही हूँ आपको कि मच्छरों से भी हम बचाकर अपने अपने घर की खूबसूरती और अपने घर को सौंदर्य और पीसफुल बना सकते हैं, सौंदर्य से भर सकते हैं। वो कैसे कि हमारे पास ये अजोला है, ये अजोला और डकवीड ये पूरे वाटर की सरफेस को कवर कर लेता है, जिससे कि जो मच्छर हैं वो पनपने नहीं पाते और उनको सांस लेने के लिए सरफेस पे आना होता है, लेकिन ये सरफेस को कवर कर लेते हैं तो उसमें उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। कोई भी वाटर प्लांट्स आप लगाते हैं तो आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ आपने एक बार ही लगा दिया, उसमें प्रॉपर खाद दी और उसको लगा के आपने छोड़ दिया, सिर्फ उसमें आपको पानी डालना होता है टाइम टाइम पर, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होता। इसके लिए आपको एक टब ले लेनी है, टब में मीडियम साइज टब जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं, उस टब में आप मिट्टी डालें, थोड़ी नीचे कंपोस्ट डाल दें, वर्मी कंपोस्ट डालें, और उसमें थोड़ी सी एक मुट्ठी सरसों खली डाल दें, और एक मुट्ठी उसमें आप थोड़ा नीम खली डाल दें जिससे कि जो उसमें जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, और उसमें थोड़ा सा आप चूना, आधा चम्मच चूना डाल दें, और उसके बाद उसमें पानी भर दें, उसके ऊपर चिकनी मिट्टी डाल दें और थोड़ी सी रेत डाल दें जिससे कि जो गंदगी है वो ऊपर ना आए, उसके बाद आप इस प्लांट को लगाएं। आज के
के इस मेले में हम बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। अरूप, आई कांट बिलीव वी आर फाइनली हियर इन देहरादून। हम लोग लाइफ में पहली बार अकेले रहेंगे माँ पापा से दूर। आई एम रियली हैप्पी यार। जी कहिए। मैं अरूप, अरूप सिन्हा। राकेश जी ने बताया होगा ना हमारे बारे में, मैं आज यहाँ इस घर में शिफ्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर आप शिफ्ट क्यों करेंगे, यहाँ तो मैं रहती हूँ। मैंने ये घर किराए पर लिया एक साल के लिए। भैया लिया होगा, पर मेरे को कोई किराया नहीं दिया है, ना ही मैंने इसको किराए पे चढ़ाया है। कैसी बातें कर रही है, ये सुभाष जी का घर है, राकेश जी ने मेरी बात कराई है उनसे। जाइए प्लीज। सुनिए तो, देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज दोस्तों हम आपको लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर गार्डन मेले में, और अब बारी है एक प्यारे से स्टॉल का रुख करने की, जहां पर है मंडला आर्ट और हैंडमेड मैक्रमे प्लांटर्स की खूब सारी वैरायटीज। तो फिर आइए इस स्टॉल का हम रुख करते हैं। प्लांट्स तो हम सब लोग लगाते ही हैं क्योंकि हम किचन गार्डन से एसोसिएटेड हैं, पर प्लांट्स के साथ साथ और ब्यूटिफिकेशन की कुछ ज़रूरत होती है, जो कि हम अपने, जैसे मैंने कुछ मंडला के दिए बनाए हुए हैं, कुछ मंडला के मैंने डेकोर की कुछ चीज़ें ऐसे बनाई हुई हैं जो कि स्टैंड के साथ हैं, और कुछ चीज़ें जो मैक्रमे की हैं जो कि प्लांट होल्डर्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये ब्यूटिफिकेशन हम प्लांट से करें, और प्लांट्स के साथ साथ हम अपने थोड़ा कलर ऐड करते हुए दियो और पेंटिंग्स वगैरह पीछे लगाकर हम इंटीरियर को अपना खूबसूरत और बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस टाइम प्रोपोगेटेड प्लांट्स भी बहुत सारे हैं, और इन प्रोपोगेटेड प्लांट्स को मैंने अपने ही पेंट किए हुए कुछ टेराकोटा की चीज़ों पर लगाए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ब्रह्मी मैंने लगाई हुई है, जो कि मेरे बचे हुए पिछले साल के दिए थे, उनको मैंने डॉट मंडला से डेकोरेट किया और उसमें ब्रह्मी लगाकर उसे और खूबसूरत बना दिया, और यहाँ आने वाले लोगों को वो एक नज़र में खूब भा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने प्रोपोगेट की हैं, बोतलों को कलर करके उसमें रोज़मेरी, कुछ पोर्टुला, इस तरीके की चीज़ें लगाई हैं, और साथ में उनके साथ होल्डर्स भी दिए हैं ताकि आप उन्हें टेबल पे भी रख सकते हैं और हैंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैक्रमे में मेरे तरह तरह के डिज़ाइन देख रहे हैं, जो कि मेरे बचे कुछ ही चीज़ों से ही बने हुए हैं, जो घर में कुछ कुछ चीज़ें बच जाती हैं और कुछ मुझे जो रास्ते में टहनियाँ मिलती हैं उनको यूज़ करते हुए ही मैंने उनको बनाया है। इनमें से कुछ रंग बिरंगे प्लांट्स भी हैं, जैसे कोलियस, और वैरायटी खूब है लेमन ग्रास हर्ब्स, मेरे पास कई वैरायटी की हैं जो कि इन बरसातों में बरसात का फ़ायदा उठाते हुए, हालांकि दिल्ली में इतनी बरसात हुई पर उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने बहुत सारे अपने घर के ही प्लांट्स को प्रोपोगेट किया है। All the stuff is created by Aarti Arora and self-taught artist who is master of doodling and creating these artifacts. मैंने ये दिवाली के लिए दियास क्रिएट किए, ये MDF टी लाइट होल्डर्स हैं ऐसे, ये रेजिन आर्ट की हुई है, ये गणेशा स्टैंड मैंने बनाए हुए हैं, ये छोटे भी गणेशा स्टैंड हैं, ये पूजा थालीज हैं। मैं सुमन वर्मा,
हमारा यूनिट 11-12 है, हमारा जो स्टॉल लगा है, तो हमारा इसके अंदर क्या है, जो भी कुछ है हमने अपने अपने घर से लेकर आए हैं सब कुछ, मतलब प्लांट जो हमने उगाए हुए थे अपने ही प्लांट से हम प्लांट लेकर आए हैं, जो हमारी खाद है वो भी हमने घर में ही बनाई हुई खाद है, और कॉम्पोस्ट है वो भी हमने सब अपने अपने आप से बनाया है, और टूल्स हैं हमारे पास जो भी गार्डनिंग के जो भी टूल्स होते हैं वो सारे हैं। एक्चुअली खंगर भी हमने रखा है क्योंकि आजकल लोगों के घर छोटे हो गए हैं तो रूफ पे सब लोग प्लांटिंग करते हैं अपनी, और तो खंगर बहुत ज़रूरी है पॉट्स के लिए। एक्चुअली सब लोग मोस्टली क्या करते हैं, मिट्टी ज़्यादा डाल देते हैं नीचे, तो अगर खंगर डालेंगे तो नीचे से ऑक्सीजन भी आएगी प्लांट्स को, तो ये सारा हमारा सारा रिलेटेड है प्लांट से। गार्डनिंग का बहुत शौक है, मैं ट्रीज में अपने घर में हर प्लांट में कोई ऐसा प्रोडक्ट वो नहीं होगा जिसमें मैं मिनिएचर्स ना करूं, तो मुझे होता है कि सबके गार्डन्स बहुत ब्यूटीफुल लगने चाहिए इन छोटे छोटे मिनिएचर्स के साथ, इससे हमारे प्लांट्स की शो भी बहुत बढ़ जाती है। इसमें छोटे छोटे आप देखिए कि ट्रीज सेटिंग्स में ये देखिए हाउसेज है, छोटे ये डॉल्स हैं, हाउसेज हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और प्लांट को और अच्छे से डेकोरेट करते हैं। आई होप आप लोगों ने सारा मेला घूम लिया होगा, तरह तरह के हमारे यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट की चीजों के, प्लांट्स के, बहुत सारी चीजों के लगे हुए हैं, एंड दिस मेला इज ओनली अबाउट प्लांट्स कनेक्टेड टू द नेचर। थोड़े से मैं आपको फूड स्टॉल्स के भी बारे में बताऊंगी कि लड्डूज हैं यहाँ पर, और लड्डूज में मेरे चार तरह के लड्डू हैं, आटा गोंद बादाम, बेसन बादाम एंड सेवन सीड्स के लड्डू, दिल्ली में कोई नहीं बनाता है, एंड एक मैंने एमरंथ आटे के लड्डू बनाए हैं जो कि आप व्रत में खा सकते हैं, और इधर मेरा दही भल्ले एंड खस्ता कचौरी का स्टॉल है, एंड आई थैंक all of you to make this mela successful, and it's such a good this is our first time we did the mela, and it has very good footfall. Thank you all the stall holders and Pusa Institute who has given us the space to do the mela, and AIKGA, thank you. तो दोस्तों ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आपको देखते रहना होगा हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। हम हर सप्ताह लेकर आते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशंस, और अब हमारे कार्यक्रम में बारी आ चुकी है पिछले हफ्ते के गार्डनिंग क्विज के आंसर बताने की। हमने पिछले सप्ताह पूछा था कि कटे हुए सेब का रंग भूरा हो जाता है, वो वायु से क्रिया करके बनाता है, वो क्या है? जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड। और जिन लोगों ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। तो इस सप्ताह के गार्डनिंग क्विज का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय अमरूद की किस्म कौन सी है? और इसके ऑप्शंस हैं ए चित्तीदार अमरूद, ऑप्शन बी इलाहाबादी सफेदा, ऑप्शन सी लखनऊ 49, या फिर ऑप्शन डी हरीजा। अब जिनको भी पता है इसका सही जवाब, उसके लिए आपको क्या करना है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी है chhatparbagwani@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिखिए, पता है हमारा छत पर बागवानी, कमरा नंबर 28, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049, या फिर आप YouTube के माध्यम से भी अपने जो जवाब हैं हम तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। अपना सही जवाब तो आप दे ही सकते हैं, साथ ही साथ आप तमाम जो एपिसोड्स हैं वो भी दोबारा देख सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जैसा हमने कहा था फेस्टिवल मंथ है, तो इसके लिए आपको बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी, अपने घर आंगन को सजाना होगा, और आज क्या है, आज है दशहरा यानी कि विजयदशमी। इसके लिए तो सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देना ही चाहेंगे, दूरदर्शन किसान की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं विजयदशमी की। लेकिन आप हरियाली बनाए रखना ना भूलिएगा, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान जरूर दीजिएगा। तो इसी वादे
करने के साथ कि अगले सप्ताह बहुत सारी अच्छी जानकारियां लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।